सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने से नहीं बुलाया है। हाँ? मम्मी जी प्लीज, मेरे बेटे का नाश करके नाश करेगा तू? ओए आंटी, क्यों हीरोइन बन रही हो? सब कुछ पता ही है तो तमाशा करने की क्या जरूरत है? नवीन, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी का तमाशा बनाया है। अब तू देख मैं तुम्हारा तमाशा कैसे बनाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी बात सुनिए। हे आंटी, नवीन 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 छोड़ो मम्मी जी को। नवीन क्या कर रहे हो? नवीन नवीन छोड़ो, ये गलत है। नवीन छोड़ो, ये तो हम दोनों को मरवाई। नहीं नहीं नवीन छोड़ दो, छोड़ दो मम्मी जी को। मम्मी जी, छोड़ दे। बहुत चर्बी है, इसको मार। जी क्या करिए, लग जाएगी। तुझे तो मैं घर पर बताता हूँ। भैया बेटा, ये तो क्या कर रहा है? बदतमीज हो गया है, जवान बहन पर कोई इस तरह हाथ उठाता है। हरकत ही ऐसी की है इसने, पूछो अपनी इस जवान बेटी से। क्या हुआ बाबूजी? वो क्या कर रही है, साफ साफ बताना। उस नवीन के साथ आज भी तेरा घूमना फिरना चालू है। हाँ बाबूजी, धोखा दिया इसने हमें। अरे झूठा वादा किया इसने हमसे कि उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ लेगी ये। देख जिया बेटा, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ और अभी भी समझा रही हूँ कि उस नवीन से तेरी शादी नहीं हो सकती है। वो अलग जात का है और हम नहीं चाहते कि समाज में कल को हमारी पगड़ी उछाली जाए। पर बाबूजी, आजकल जात बिरादरी को देखता कौन है? और एक जात बिरादरी के चक्कर में मैं इतने अच्छे लड़के से मिलना छोड़ दूँ? अच्छा लड़का कौन? अच्छा लड़का वो नवीन? अरे एक नंबर का आवारा और लड़की बाजे वो। भैया आप तो रहने ही दो, ये झूठ बोलते रहते हैं ये। और मैंने आपको कितनी बार बोला है नवीन के बारे में, ना उल्टा सीधा मत बोला करो। अरे अच्छा लड़का है वो, बस इन्हीं को नहीं है पसंद। अच्छा, कैसी कैसी औरतों के साथ उसका संबंध है, जाके पूछ मोहल्ले में उसके। मैं नहीं मानती, झूठ बोल रहे हो आप। अरे झूठ बोलते रहते हैं ये। और हाँ खबरदार, आज के बाद ना नवीन के बारे में उल्टा सीधा बोल मत देना। शादी तो मैं उसी से करूंगी, जो करना है कर लो। देखा आप लोगों ने? अरे देखा आप लोगों ने? अरे कैसी जबान चल रही है इसकी। हाँ तो चलेगी ना, बहन तो आप ही की हूँ। जिया बेटा, हमारे बारे में भी तो सोच। ठीक है ठीक है, आप लोग चाहते हैं मैं नवीन से शादी ना करूँ ना, नहीं करती उससे शादी। एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर मेरी शादी नवीन से नहीं हुई ना तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, आज के बाद इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी तू। अच्छा सा लड़का देख के शादी करो इसकी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, और जबान चलने लगी है तेरी। अरे भैया को रोको। बाबूजी बाबूजी, माँ माँ। अरे भैया, अरे भैया सुन ना। तू जिया के बारे में सोच और कोई फैसला ले ले, कोई अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करवा दे। वही करना पड़ेगा। यार मैं क्या सोच रहा था, एक लड़का है मेरी नजर में जो तेरी बहन को बहुत खुश रखेगा। कौन है, चल बात करते हैं। यार वो, अरे बोलना वो क्या? मैं बाद में बताता हूँ ना। अरे दिमाग मत खराब कर, अभी बोलना। मैं क्या बोला तूने? मैंने बोला मैं करूंगा तेरी बहन से शादी। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचने की? अरे दोस्ती के सारे उसूल भूल गया?
मेरी बहन, तेरी बहन, तेरी बहन, मेरी बहन। अरे इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है तू? हूँ है तेरे जैसे इंसान पे। अभी के अभी जा यहाँ से, चला जा मेरी आंखों के सामने से, शकल मत दिखाना अपनी, समझा? निकल। माँ, आओ जी। अरे कोई दरवाजा खोलो। हाँ, आओ जी। अरे आप हमको ऐसे बंद नहीं करके रख सकते। इस पंखे से लटक के अपनी अपनी जान दे दोगे अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो। बता रही हूँ मैं, आप मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते कमरे में, नहीं। और ना ही मुझे आप मुझे नवीन से मिलने से रोक सकते हो। अब भी जान दे दोगे इस पंखे से लटक के? मैं बता रही हूँ, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मुझे नवीन से मिलने जाना है। मैं अभी जान दे दोगी? बता रही हूँ। क्या बचपना कर रही है ये? बुद्धि खराब हो गई है इसकी। देख माँ, बाबूजी भैया को बोलो मैं अभी इस पंखे से लटक के पागल हो गई है क्या? मैं अभी लटकूंगी, भैया को बताओ अभी, बोलो ना माँ। ए भैया, ए भैया क्या कर रहे हो तुम? भैया मैं सच में जान दे दूंगी। लटक जा पंखे से। अब लोग चलो बाहर। अरे ऐसे ही बक रही है ये, कुछ नहीं करने वाली है, चलो बाहर। बाबूजी मैं सच में लटक जाऊंगी। ए भैया मैं सच में अपनी जान दे के रहूंगी, देखना। ए भैया, भैया ये दरवाजा खोल। हेलो, क्या है? यार तुझे पता है इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया है, अब हम कैसे मिलेंगे नवीन? यार तेरा भाई ना जल्लाद है, जल्लाद बहुत मारा यार मुझे। ओह, कुछ घर उसका। अच्छा सुनना, उसे मिलने आना। मैं नहीं आ सकती अभी मिलने। मिलने कैसे भी कर आना, मुझे मिलना है अभी के अभी। यार इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके रखा है, मैं कैसे आऊंगी तुझसे मिलने? अरे कुछ भी कर यार, कोई भी इमोशनल ड्रामा कर। इमोशनल ड्रामा? अरे अभी मैंने सुसाइड का नाटक किया था, उसमें भी भैया पंखा उतार के ले गए, सारा नाटक धरा का धरा रह गया, और ऊपर से अब गर्मी में सोना पड़ेगा मुझे, सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तेरे लिए इतनी मार खाई, और तुम उससे मिलने तक नहीं आ सकती? मेरे पास ना एक प्लान है, जब तू आएगी ना तभी बता पाऊंगा। अरे यार मैं नहीं आ सकती नवीन, मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी के अभी। हेलो नवीन, ये भी ना। ए दिनेश, वो आ गया मेरे यार। ये क्या हो गया? बहुत मारा यार इसने। लगता है यहीं से निकलना पड़ेगा। यार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। यार नवीन, नवीन मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से भैया ने तुम्हें बहुत मारा ना। अरे कोई ना, वो आशिकी क्या जिसने अपने माशूगा के भाई से मारना खाई हो, और वैसे भी किसी का भाई ऐसे ही करेगा ना, जब वो अपनी बहन को ऐसी हालत में देखेगा तो। तुम कितने अच्छे हो, कितने समझदार हो, पता नहीं भैया ये बात कब समझेंगे। कभी नहीं, अरे भैया मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अब आगे क्या करना है वो हमें सोचना होगा। सोचना क्या है यार, जिया को ही अपने परिवार वालों को मनाना पड़ेगा। वो तो भूल जा भाई। सही बात है, अब तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है। मैं पता है अब मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है जिया। क्या? भाग चलते। फिर वही बात, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं नहीं भाग सकती हूँ, मुझे तुम और मेरे घर वाले दोनों चाहिए। जिया देखो ये तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तो तुम्हारे भैया इतने खतरनाक है, उनके चर्चे हर गली मोहल्ले में। क्या करोगे तुम लोग? मेरे पास एक प्लान है। क्या? जो तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। मतलब? मतलब ये, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देती हो तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे देगा, तुम्हारे घर वालों के पास कोई चारा नहीं बचेगा मुझसे शादी कराने के अलावा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नवीन। सही कह रही है, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो तेरी इस बेकार की बात को मान ले। अरे है ना लड़का मेरी नजर में। कौन? दिनेश। क्या
सच में पागल हो गए हो? भाई दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे दिमाग खराब नहीं हुआ है, अब तो दिमाग ठिकाने पर आया है। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता नवीन। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हम भाग नहीं सकते। तो जाओ कर लो किसी से भी शादी और भूल जाओ मुझे। या समझती क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और किसी और से शादी करने के बजाय दिनेश से शादी कर लो, कुछ टाइम बाद वो तलाक दे देगा तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी नहीं पता चलेगा, और ये बात हम तीनों के बीच में रहेगी। यार शादी कोई मजाक थोड़ी है। और क्या नवीन? देखो अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगे ना तो जिया तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और दिनेश तू तो अपना भाई है ना यार, तेरे जैसा सीधा साधा अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? पूरे मोहल्ले में तेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, इसका भाई कभी तेरे लिए ना नहीं करेगा और उसके भाई को भी नहीं पता चलेगा। ये बात हम तीनों के बीच में रहेगी। एक दिनेश मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ। यार मैं मम्मी को क्या बोलूंगा? अरे मम्मी मम्मी को बोलते ना कि तुझे ये पसंद है, और तू तो है ही इतना अच्छा कि कोई भी तुझे अपनी लड़की दे देगा। और मम्मी को पटाना तो तेरे बायात का खेल है, मैं ये जानता हूँ। ये तुम ही समझाओ ना यार इसे। बहन जी मैंने मोहल्ले के एक शादी में जिया को देखा था, जिया मुझे पसंद आ गई। मैंने दिनेश से पूछा, दिनेश ने कहा माँ आपकी जैसी मर्जी। अरे बहन जी ये तो आपके बेटे का सीधापन है। हमें दिनेश बहुत पसंद है, ऐसे लड़के से हमारी बेटी की शादी हो जाए हमको भला जीवन में और क्या चाहिए। जिया बेटा आओ मेरे पास बैठो। तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझू? जी। अरे पूजा श्रुति को देखो, पूजा की थाली लेने गई थी। श्रुति चल आंटी तुझे बुला रही है। हाँ तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ देख मैं जानती हूँ तो दिनेश से कितना प्यार करती है, और जिया की जगह तुझे होना चाहिए था। मेरे चाहने से क्या होता है, वो तो जिया को चाहता है ना, तो बात यहीं खत्म। अब चल आंटी बुला रही है, चले चल। रुको रुको भाई, हमारे बिना गृह प्रवेश कैसे हो सकता है? हाँ अब करो गृह प्रवेश। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ, आओ। शादी हो गई है तो आना जाना लगा ही रहेगा।
आओ। अरे यार, बैठने के लिए भी जगह नहीं है, पूरा बेड गंदा करके रखा हुआ है। तुमको फूल पसंद नहीं है क्या? मुझे कुछ भी नहीं पसंद। जब तक दिनेश नहीं आ जाता है तब तक मैं तुम्हें कंपनी दे देती। कोई जरूरत नहीं। देखो क्या नाम है तुम्हारा? श्रुति। श्रुति, मुझे मेरी ही कंपनी पसंद है, तो प्लीज। और क्या मैं कुछ देर के लिए अकेले रह सकती हूँ? ओके। और सुनो, वो जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। आंटी जी, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा बेटा। दिनेश, तू भी जा, आराम कर ले। जी माँ। सही है बेटा, बीवी आई तो दोस्तों को भूल गया? नहीं अभी तक तो गया नहीं, अब उसकी बीवी आ गई है, उसका पीछा छोड़ दे। बस आंटी जी, जा रहा था। अच्छा सुन, तुझ पर भरोसा कर इतना बड़ा रिस्क लिया है, ध्यान रखियो अपनी भाभी का, समझा? भरोसा तोड़ियो मत। अब जा। बैठिए ना। नवीन का फोन है। हेलो। हाँ नवीन, बोलो। और बहू रानी, कैसा लग रहा है शादी करने के बाद? हाँ कुछ नहीं। मैं भी यही सोच रही थी, काश दिनेश की जगह तुम होते। वो तो है। हेलो हेलो जिया, इसने फोन ऑफ कर दिया, ऐसा कैसे? कहीं वो दोनों? अरे नवीन छोड़ो ना, क्यों बार बार फोन कर रहे हो और इस रात का मजा खराब कर रहे हो? बाढ़ में जाने दो उसको, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तू मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, जिया को पाना मेरी जिद है और उसको मैं पाकर रहूंगा। उसके भाई ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब उसको मैं ऐसा तमाचा मारूंगा
वो हमेशा याद रखेगा। और मैं, मेरा क्या, मुझे छोड़ दोगे उससे पाने के बाद? तू तो अपनी जान है जान, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ राजा मेरी जान। अब डट कर होगा डर से सामना। हाँ, पर मैंने थोड़ी देर कर दी। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। जी शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। जरूरत है जागरूक होने की, जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। प्यार इश्क मोहब्बत जैसी पाक साफ भावनाओं को अवस के तराजू में कभी नहीं तोलना चाहिए। जिया का प्यार नवीन के लिए सिर्फ उसकी हवस और बदला लेने का माध्यम था, जिसको शायद जिया समझ नहीं पाई। नवीन की जिया को पाने की लालसा उसके दिमाग पर हावी हो गई थी, जो जिया को कभी दिखी ही नहीं। जिया की आंखों पर प्यार की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे उसका परिवार उसका सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा था। और अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिनेश की सादगी का नाजायज फायदा उठाया। एक मिनट के लिए भी किसी ने यह नहीं सोचा कि वो शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बना रहे। तो क्या दिनेश के साथ झूठी शादी करके जिया नवीन को पाने के अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्या जिया को नवीन का असली चेहरा और उसके बद इरादों के बारे में कभी पता लगेगा? आइए देखते हैं इन तीनों की जिंदगी आखिर यहां से अब क्या मोड़ लेने वाली थी। जिया, इनेस, बहू नहा के नीचे आ जाओ, तुमको आज कुछ मीठा बनाना है। जी अरे आंटी जी, बहू को आए हुए एक दिन नहीं हुआ और आपके तो 12 बजे हुए। अरे नवीन, ये मजाक वाली बात नहीं है बेटा, टेंशन वाली बात है। ऐसी क्या बात है आंटी जी, क्या क्या हुआ? मुझे ये बता जिया लड़की कैसी है? अरे आंटी जी एकदम हीरा है हीरा, क्यों क्या बात है? देखो आंटी, आप मुझे टेंशन दे रहे हो, बात क्या है? आज सुबह जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा। क्या देखा आंटी जी, क्या देखा आपने? मैंने देखा वो दिनेश। दिनेश क्या? नीचे जमीन पे सोया था। शुक्र है। क्या? ना ना कुछ नहीं, आप बताइए क्या बोल रही थी। देख तू एक काम कर, इस बारे में तू दिनेश से बात कर, मैं इस तरह की बात करूँ तो अच्छी नहीं लगूंगी। अरे आंटी जी मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ दिनेश से, आइए। अरे आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। अरे बहू रानी, और क्या बनाया है? खीर बनाई है। हाँ तो खिलाओ फिर। हाँ ये लो। अरे बाबा मुझे नहीं, पहले अपनी सासू माँ को खिलाओ, पुण्य मिलेगा। मम्मी जी अच्छा है, शगुन देते हैं जब बहुरानी कुछ मीठा बनाती है। हाँ अभी लेके आई। अब तो खाओगे? क्यों नहीं। ये लो। ऐसे नहीं, फिर कैसे? ने हाथों से खिलाओ। अच्छा कैसी है? अच्छी है, एकदम तुम्हारी तरह।
वाह आंटी जी, खीर तो बड़ी अच्छी बनाई है। ये लो बेटा शगुन, और जाके देखो दिनेश क्या कर रहा है। और मेरी नई नवेली दुल्हन, खुले खुले बाल, हाँ सेक्सी साड़ी, मन तो करता है यहाँ से उठा के ले जाऊं तुम्हें। अच्छा ए अरे कल रात को तो मैं डर गया था, तुम्हारा फोन ऑफ था। हाँ क्या हुआ ना, मैं बहुत थक गई थी, मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और हाँ वो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मेरा फोन ऑफ हो गया था। अरे मुझे लगा कहीं तुम दिनेश के साथ तो नहीं मिल गई। तुम पागल हो क्या, दिनेश के साथ शादी मैंने दिनेश के साथ रहने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहने के लिए की। बस एक बार मौका मिल जाए फिर देखना, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। वो तो है। ये क्या कर रही हैं आप मम्मी जी, क्या हुआ आपको? कितनी घटिया औरत हो तुम, ने अपने आशी के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कह रही आप मम्मी जी? चुप कर तू, मैंने तेरी और नवीन की सारी बातें सुन ली थी। इतने घटिया लोग हो तुम दोनों, मेरे सीधे साधे बच्चे को फंसाया है तुम दोनों ने। नहीं नहीं मम्मी जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कुछ नहीं है। मम्मी जी बात तो सुनिए, मम्मी जी आप मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी क्या कर रही है, मम्मी जी तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है घटिया लड़की। मम्मी जी निकल मेरे घर से। आंटी जी आंटी सब ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। नहीं आप ठीक नहीं है, मैंने आज तक आपको ऐसे नहीं देखा। बोलिए ना आंटी आप इतने टेंशन में क्यों हो? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी तुम यहाँ से जाओ। जी आज आने दे दिनेश को, सब बताती हूँ मैं। कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो सुन मेरी बात, फोन करके अभी इसके माँ बाप को बुला। क्या हुआ माँ? तू सुनेगा ना तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी बेटा, तेरी बीवी और तेरे दोस्त का चक्कर चल रहा है। माँ इसमें सिर्फ जिया और नवीन की गलती नहीं है। मतलब? मेरी भी गलती है, मुझे पहले से पता था इस सब के बारे में, और ये शादी मैंने अपने लिए नहीं की है, इन दोनों के लिए की है, ताकि ये दोनों मिल पाएं, एक हो पाएं। तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया इन दोनों के लिए, और इतना ही नहीं तुमने अपने माँ को भी धोखा दिया है बेटा। दिनेश दिनेश प्लीज मम्मी जी को समझाओ, देखो अगर उन्होंने मेरी मम्मी पापा को बता दिया ना तो मैं नहीं पता क्या होगा। जी जी या तुम रो मत, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। नवीन का फोन। हेलो नवीन, देखो तुम यहाँ फोन मत करो और ना ही यहाँ पर आना। क्यों क्या हुआ? अरे मम्मी जी को सब कुछ पता चल गया है, उन्होंने हम दोनों की बातें सुन ली हैं, और अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो वो मम्मी पापा और भैया को यहाँ बुलाकर सब कुछ सच सच बता देंगी। घबराओ मत, मैं कुछ करता हूं। नहीं देखो अभी तुम कुछ दिन शांत रहो और यहाँ पर फोन मत करना दोबारा। जिया तुम टेंशन मत लो। देखो अगर मेरे भैया को कुछ पता चल गया ना वो मुझे जान से मार देंगे,
अरे यार, अब इस फोन पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? चुप कर। जब देखो चकर 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 कान में दर्द हो गया है। इधर तू है और उधर वो जिया, उसका एक नया नाटक हो गया है। हाँ, ये मुश्किल से उसके करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे आसानी से मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। समझे कुछ? नवीन, तुम यहाँ? किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। अरे जाओ, कोई नहीं देखेगा। मुझे पता है घर में कोई नहीं है, मैं तुझे लेने आया हूँ, चलो। अरे तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तू चल रही है मेरे साथ, चल। अरे मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। ओ, ऐसा क्या? नहीं, तुझे दिनेश से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे धोखा दे रही है ना? हाँ? पागलों वाली बातें मत करो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने घर वालों से धोखा किया है मैंने, और यहाँ तक कि दिनेश, उसने तो अपनी जान दांव पर लगा दी है। ओहो, तो मुझसे ज्यादा तुझे उस दिनेश की पड़ी है? हाँ? आ, आ, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है नवीन। मम्मी जी, जिस डायरी के पन्नों में बंद है सुमन के अनकहे जज्बात, लेकिन अब तक की सारी बातें सुमन ने डायरी में ही लिखी होंगी। हे भगवान, डायरी किसके भी हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। क्या वक्त से पहले ही खुल जाएंगे ये दफन राज? पलकों की छांव में सोमवार से रविवार शाम 6:30 बजे और पुनः प्रसारण सुबह 10:30 बजे दंगल पर। मुझसे ज्यादा तुझे उस दिनेश की पड़ी है? हाँ? आ, आ, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है नवीन। मम्मी जी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे जाते ही तुमने इसको बुला लिया, ये शर्मे की हद पार कर दी तुमने। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं बुलाया इसे। चुप कर, झूठी चोरी पकड़ी गई, नादान बनती है, तुम्हारे पूरे खानदान को बताऊंगी मैं, और इसको इसको तो पुलिस के हवाले करूंगी मैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं बुलाया है। मम्मी जी प्लीज, मेरे बेटे का नाश करके आज करेगा तू? ओए आंटी, क्यों हीरोइन बन रही हो? जब सब कुछ पता ही है तो तमाशा करने की क्या जरूरत है? नवीन, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी का तमाशा बनाया है, अब तू देख मैं तुम्हारा तमाशा कैसे बनाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मम्मी जी मेरी बात सुनिए। अरे आंटी, नवीन नवीन नवीन, छोड़ो मम्मी जी को। नवीन क्या कर रहे हो? नवीन नवीन छोड़ो, गलत है। नवीन छोड़ो, ये तो हम दोनों को मरवाएगी। नहीं नवीन, छोड़ दो छोड़ दो मम्मी जी को। मम्मी जी, ये क्या किया तुमने? नवी मम्मी जी, ये क्या किया तुमने? बोल देना पैर फिसल गया। मम्मी जी, 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 मम्मी जी। आंटी, क्या हुआ आंटी को? मम्मी जी, दिनेश, मम्मी जी, मम्मी जी, दिनेश, क्या हुआ माँ को? क्या हुआ माँ को? ऊपर से पैर फिसल गया मम्मी जी का। Ha 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 ha! Dinesh!
दिनेश, दिनेश संभालो अपने आप को। दिनेश तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भैया जी एक ही मोहल्ले के है ना, तो बस मिलने आ गया था। मिल लिया जी भैया जी, देख लिया जी। चल निकल। और सुन जी, आज के बाद दिखना मत, खासकर मेरी बहन के आसपास। निकल दिनेश, बस करो। जिया बेटा, इनको कमरे में ले जा। दिनेश चलो ऊपर, चलो चलो चलो। बैठो। तुम लेटो, मैं पानी लेकर आती हूँ। जिया, मुझे पता है आंटी का पैर फिसला नहीं था, कोई और बात है। मतलब? छत पे कपड़ा तो तुम सुखा रही थी, आंटी नहीं। और उस दिन आंटी तुम पर गुस्सा भी हुई थी, वो क्यों गुस्सा हुई थी ये मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। और इतना ही नहीं, आंटी के जाने के बाद मैंने नवीन को घर में घुसते हुए देखा। तुमने ये बात दिनेश को नहीं बताई, क्यों? वो एक इम्पोर्टेंट फोन है। क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम। हुआ क्या है? क्या हुआ है? इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करके गए हो यहाँ पर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ऊपर से वो श्रुति, उसने तुम्हें घर में आते हुए देख लिया था, अभी अभी मुझसे पूछ के गई है। उसे मुझ पर शक हो गया है। अभी मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो दिनेश को सब कुछ सच सच ना बता दे। तुम प्लीज फोन करना ना बंद कर दो, एक के बाद एक मुसीबत में डाल दिया है तुमने मुझे। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। फोन रखो। बहन जी, क्या हुआ? वो मेरा बच्चा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ आपके बच्चे को? आजकल की लड़कियां कितने इंटेलिजेंट हो गई हैं, बताओ। एकदम दिमाग से तेज, सबको डिटेक्टिव बनना है। अरे चुपचाप से घर पर नहीं रहा जाता कि नहीं? जब तक दूसरों के पछड़ों में नाक नहीं डालते तब तक चैन नहीं मिलता ना तुम्हें। हाँ, अब दिनेश की माँ कब मरी, कैसे मरी, क्यों मरी, सब जानना है तुझे। हाँ सब जानना है, तो सुन। मैंने मारा उसे, फेंक दिया उसे छत से। जब तक जिया मेरे पास नहीं आ जाती यही पड़ी रहे चुपचाप। गहरा राज आज लौट कर आया है तारुलता के सामने। परसों पुराना ये घाव आज भी मेरे सीने में जिंदा है। कुछ ऐसे राज जो ना मैं कह सकती और ना ही सह सकती हूँ। क्या संतों की जिंदगी से जुड़े हैं इस अतीत के तार? बंदनी सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल पर। नवीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या? जाओ यहाँ से। अरे आ, 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 बहुत हुआ ये पति पत्नी का गेम, अब
खत्म करो इसे। दिनेश, जिया को तलाक दे दे। तलाक? ऐसे कैसे यार? मेरे भाई, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा हमें? बोल देना इसके घर वालों को, इसकी वजह से मेरी माँ मर गई, मेरे लिए मनहूस है, नहीं रहना चाहता इसके साथ। तू बोल देगा ना मेरे भाई? जिया ये बोल देगा? चलो हम चलते हैं। ओ, समझा। दिनेश काम कर, तू अभी कॉल कर, जिया को भी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, फोन लगा। ले, तू ना अभी कॉल कर। फोन कर दिनेश, तू देख क्या रहा है? इस पर तेरी नीयत तो नहीं फिसल गई ना साले? दोस्त की गर्लफ्रेंड पे बुरी नजर डालता है। नवीन, नवीन, खबरदार। सच तो ये है कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, समझे तुम? ओ, अच्छा, अब समझा। नीयत इसकी नहीं, तेरी फिसल गई। हाँ क्यों, एक आदमी पूरा नहीं पड़ता क्या? तुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, हो गया है मुझे इससे प्यार। क्या कर लेगा तू? पति है वो मेरा, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, और मुझे तेरे साथ नहीं जाना, सुन लिया तूने? चल निकल यहाँ से। सुना नहीं तूने? निकल यहाँ से। दिन अपनी औकात, आज ये है कल कोई और होगा। तेरी जैसी लड़कियों को रोज रोज अलग अलग आदमी चाहिए होते हैं ना। नवीन! साले, तेरी ये हिम्मत? नवीन, तुझे पता नहीं चला क्या अभी तक, जब मैं तेरे लिए इतना कुछ कर सकती हूँ? से तो मैं सच्चा प्यार करती हूं। सोच इसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूं, समझा नहीं अभी तक तू? निकल यहां से, और ना ऐसा इल्जाम लगाऊंगी ना तेरे ऊपर कि तू सोच भी नहीं सकेगा। चल। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, समझे तुम? निकल यहां से। सुना नहीं तूने? निकल यहां से। छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को, जिया को तो उठा के ले आऊंगा, उस दिनेश को उसको तो मार डालूंगा। अब औकात पता चल गई ना तुम्हें तुम्हारी, देख लिया वो तुम्हें क्या समझती है, कुत्ते जैसी हालत कर दी, गली के कुत्ते की तरह बाहर निकाल मारा। चुप कर। मैं क्यों चुप करूं? उसके सामने तुम्हारा जोर नहीं चलता और मेरे सामने अपना जोर चला रहे हो। मैं बोल रही हूँ अभी भी वक्त है, मेरे साथ रह लो, वरना धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, ना घर के रहोगे ना गाट के। बोल रहा हूँ ना, चुप कर।
चुप कर। या? वो नवीन, उसने मम्मी जी का कत्ल किया था। वो अचानक से छत पर आ गया, मैंने उसे कहा भी जाने के लिए, फिर पता नहीं मम्मी जी आ गई और उसने दिनेश। ये तुमने क्या किया जिया? मैं कितना भरोसा करता था तुम पे, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। उस नवीन को बचाने के चक्कर में तुमने मेरी माँ को धोखा दिया। दिनेश, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज दिनेश, मुझे माफ कर दो दिनेश। नवीन को उसके किए की सजा मिलेगी। हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। शादी महासप्ताह में देखिए, होने जा रही है अवधेश और अर्पिता के जीवन की नई शुरुआत। लेकिन वाजही के जैसा कुर्सी का दिन रहा जब आपके बाप और भाई को लाल सिंह मार दिया रहा। आप सब भूल गए बाबू जी। मैं अवधेश सिंह ठाकुर प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक लाल सिंह को के अंजाम तक नहीं पहुँचा देता, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। गुनाहों का देवता सोमवार से रविवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, दंगल पर। हाँ दिनेश, माजी को नवीन ने मारा था। और लैला मजनू की जोड़ी कहाँ चली? दिनेश, मेरी माँ को मारा मेरी। वही मानता था मैं तुझे, दिनेश, दोस्त मानता था। मैं मेरी माँ को मारा। दिनेश, बड़ा दम आ गया तुझ में। हाँ, जादू कर दिया इसने। वैसे इसका जादू ही कुछ ऐसा है कि हर कोई खो जाता है। दिनेश, क्या हो गया? दिनेश, कौन? तुम रुको, मैं मिलूं उसको फोन करती हूँ। जिया को छोड़। आता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। चल। या। हेलो भैया, नवीन ने दिनेश को मार दिया है, अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। जल्दी आ जाइए भैया, प्लीज जल्दी। अब बचकर कहाँ जाएगी? हाँ, तूने मुझे छोड़कर दिनेश को चुना ना, वो तो गया। तुझे भी उसके पास पहुंचाकर सुकून मिलेगा मुझे। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं, तू जहां देखो वहां टपक पड़ता है। आज तो मैं तुझे बोला था ना तुझे मेरी बहन से दूर रहना। बोला था ना। भैया, जगन, जगन तू क्या कर रहे थे? चल, तुझे क्या लगा था तू मुझे थप्पड़ मारेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? हिसाब साफ है, पहले तू मरेगा, फिर हम दोनों मिलके
इसको आपस में बांट लेंगे। जगन, दुरत, दुरत, मार दूंगा। जोर जगन। जगन, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं तो इसको खामा खाम मारने जा रहा था। भैया। नवील। मार इसको जगन। नहीं, जगन। गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। पुलिस। छोड़ो मुझे, चल। बताता हूँ तुझे। छोड़ो मुझे। भैया, तुम ठीक हो ना? दिलेश, दिलेश। छोड़ो, ले चलो मुझे, चलो, छोड़ो मुझे। दिलेश, दिलेश, दिलेश उठो, दिलेश, दिलेश, भैया, दिलेश की सांसें चल रही हैं, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। दिलेश, दिलेश। जिया की किस्मत अच्छी थी कि देर से ही सही, लेकिन उसे नवीन का असली चेहरा दिख गया और उसने दिनेश की जान बचा ली। जिया को अपनी गलती का एहसास होना इस बात की पूर्ति करता है कि उसके माँ बाप उसके लिए जीवन साथी चुनने में गलत नहीं थे। दोस्तों, हमारे माँ बाप को इंसान पहचानने की परख हमसे ज्यादा होती है। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, और जब कभी हम उन पर भरोसा नहीं करते तो नवीन जैसे शातिर लोगों का शिकार बन जाते हैं। जीवन साथी का मतलब होता है एक ऐसा साथी जिसके साथ आपको पूरा जीवन व्यतीत करना है। आपका एक गलत फैसला आपकी और आपके परिवार की जिंदगी तबाह कर सकता है। नवीन को पुलिस ने हिरासत में लिया और उस पर दिनेश की मां और शीला के खून का केस दर्ज किया। जगन को भी नवीन का साथ देने के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। आज जिया दिनेश के साथ एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है बिना किसी डर के। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।